हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये है कटहल का कोआ कहते हैं इसे। ये आपको येलो दिख रहा है, ये अभी पका नहीं है बट कलर इसका चेंज हो गया। ये बस 4-5 दिन और रुकेगा तो ये पकी जाएगा, बट अभी ये कड़ा है। और इसकी मैं एक रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आपने नहीं बनाया है तो ट्राई ज़रूर करना, हमारे यहाँ पर ये बहुत बनाया जाता है। और इसके जो बीजे होते हैं ना फ्रेंड्स, उसकी भी रेसिपी बनाई जाती है, सब्जी बनाया जाता है। तो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट से इसके लिए हम लोग कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बेसन ले लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। हल्दी ऐड किया है थोड़ा सा मैंने, थोड़ा सा ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हींग इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेंगे हींग, क्योंकि हम कटहल की रेसिपी बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा इसमें हींग जरूरी है ताकि इससे नुकसान ना करे। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। अगर फ्रेश है तो फ्रेश ऐड कर लीजिए, अदरवाइज ये भी चलेगा। और थोड़ा सा मिला लेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट, पानी डाल के हमको इसको धीरे धीरे से मिक्स कर लेना है। पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। और उसके बाद मुझे इसमें एक चीज़ और ऐड करना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए, ये हमने मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसे मिला लेंगे चावल का आटा, 2 से 3 चम्मच ये ज़रूर मिलाइएगा। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप कॉर्नफ्लोर मिला लीजिएगा, कॉर्नफ्लोर भी नहीं है तो थोड़ा सा सूजी को मिला लीजिएगा। मैं कुछ ना कुछ आपको मिलाना पड़ेगा ताकि एक अच्छा सा क्रिस्पीनेस आए हमारी रेसिपी में, ठीक है। बस इसे मैं मिला लेती हूँ एकदम अच्छे से, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। ये देखिए, आपके पास धनिया है, धनिया भी आप ऐड कर सकते हो इसमें। मैं सिंपली बना रही हूँ इसे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मिला लिया, इसे मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी मिला लिया है, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ डन हो गया। इधर देखिए, मेरा तेल भी मतलब गरम हो गया है। अब हम क्या करेंगे ना, बनाएंगे इसके, ये कटहल के जो कोआ कहते हैं ना इसे, इसके पकौड़े बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से एक एक उठाएंगे हम इसमें और इसमें डिप करते जाएंगे, ठीक है। तो बस इसे बेसन में डिप कर करके इस तरह से डालते जाएंगे। और ट्रस्ट में फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है ये पकौड़ी, सब्जी भी इसकी अच्छी लगती है। और बस इसे हमें इसी तरह से डाल के सब फ्राई कर लेना है। कलर आप देख लो कितने अच्छे से, जैसा आपको कलर चाहिए वैसा आप कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आ गया हमारे पकौड़ों का, ठीक है। बस ऐसे ही हमें चाहिए, तो बस इसे मैं निकाल लूंगी। बैच भी हम डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यम्मी क्रिस्पी से पकौड़े रेडी हो गए हैं। और इसमें डालने के लिए मैंने मसाला रेडी किया है, ये देखिए, ये चाट मसाला, काला नमक और ये है रेड चिली पाउडर। तो इन तीनों को हमें मिक्स करके गरम गरम ही इसके ऊपर हमको डाल देना है, इससे जो पकौड़े हैं ना बहुत ज़्यादा चटपटा लगेगा। तो चलिए इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और इसे हम सर्व करेंगे अभी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यम्मी से कटहल के कोए के जो पकौड़े हैं क्रिस्पी, वो रेडी हो गए हैं। और इसे मैंने ग्रीन चटनी के साथ और रेड सॉस के साथ सर्व किया है। आप भी आइए, इसे एंजॉय करिए और फ्रेंड्स रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी, कल फिर मिलेंगे हम नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।